लक्ष्मी क्या हुआ लक्ष्मी? कुछ नहीं दीदी। प्लान किया? तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है निधि, जल्दी से जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। जाओ लक्ष्मी, आओ बैठो। लुए कुसुम ने कहा, देखा देखा मंगल कितना ख्याल रखता है कार्तिक अपनी पत्नी का, उसे जरा सा भी दर्द नहीं होने दिया इसने। उसने कहा, मंगल ने हंसते बोला, अम्मा कार्तिक जैसा ख्याल रखने वाला पति भाग्य से मिलता है, मैं तो जितनी नजर उतारू लक्ष्मी की कम है। इरिटेशन, कांट टेक इट एनी मोर, जाने पड़ेगा। कार्तिक कमरे में जा रहे हो? लक्ष्मी को भी साथ ले जाओ ना, वो बेचारी कितनी थक गई है देखो। पेंशन, इतना लंबा सफर तय किया है और अब पैर में भी चोट लग गई है, थोड़ा आराम कर लेगी। देखा वॉइस ओवर गया कार्तिक का, लक्ष्मी को मैं कोई सफाई नहीं देने दूंगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता इसके झूठ को मैं। और अभी लक्ष्मी खड़ी होगी, वॉइस ओवर हो गया, खड़ी हुई लक्ष्मी, आओ इशारा। मम्मी आपने तो कहा था कि घर आने के बाद हम सब गेम्स खेलेंगे, दूल्हा दुल्हन के साथ सब लोग एंजॉय करेंगे। से दीदी का मंगल ने, बेटा रसम बाद में भी हो जाएगी, देखा नहीं लक्ष्मी मौसी को कितनी चोट लगी है। मम्मी भाभी रसम की तो बात है, थोड़ी देर तो खेल ही सकते हैं ना। तो लक्ष्मी तुम बैठ पाओगी? कार्तिक को लुक दिया। सबने स्माइल किया, चलो ओके। लक्ष्मी के पैरों में गृह प्रवेश के वक्त लगी गहरी चोट, कार्तिक को हुआ लक्ष्मी के दर्द का एहसास। मंगल ने की कार्तिक और लक्ष्मी के जोड़े की तारीफ, कार्तिक ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो मंगल लक्ष्मी की, जिसके ऑन लोकेशन से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट। शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से लक्ष्मी के पैरों में गहरी चोट लगती है जब लक्ष्मी गृह प्रवेश की विधि पूरी कर रही होती है। किसी बीच लक्ष्मी की चीख सुनकर कार्तिक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, कहीं ना कहीं कार्तिक लक्ष्मी का ख्याल रखते हुए नजर आता है, लक्ष्मी के दर्द का एहसास कार्तिक को भी होता है और ये सब देखकर मंगल बेहद खुश है। मंगल समझ चुकी है कि उसकी बहन लक्ष्मी को एक सही पति मिला है और ऐसे में मंगल लक्ष्मी और कार्तिक के जोड़े की तारीफ करते हुए भी नजर आती है। किसी बीच कार्तिक अपने कमरे में जाने का फैसला लेता है और साथ ही साथ ये मन ही मन सोचते हुए नजर आता है कि लक्ष्मी को इस बार सफाई देने का कार्तिक कोई भी मौका नहीं देगा। किसी बीच सभी घर वाले कार्तिक को लक्ष्मी को भी अपने साथ कमरे में ले जाने की जिद करने लग जाते हैं, जहां पे कार्तिक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता था। फालतू तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़े ऐसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।